हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी सी मैगी। तो मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ और अभी ये इसमें मैंने पानी डाल दिया है और मैगी को भी रख दिया है और मैगी भी उबलने लगेगा पानी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और मैं इसमें भी गाजर जो पहले से बारीक कट करके रखा था कद्दूकस करके वो डाल दिया है, शिमला, लाल मिर्च पाउडर और इसमें आप चाट मसाले वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं लिया है, केवल मैं मैगी मसाला ही लूँगी। और मैं 3 पैकेट लगभग लिया है मसाले को, इससे मस्त चटपटी तीखी बनेगी। मसाले अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो जितना चाहिए। मैंने 3 पैकेट मैगी लिया है तो मसाला भी उतना ही लिया है और मैं इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो थोड़ा सा डालूंगी। ओरिगैनो से टेस्ट अच्छा आता है और मैं भी अच्छे से मिक्स करूंगी। ये तो बच्चे बूढ़े सबको अच्छी लगती है। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है जिससे मस्त चटपटी बने। मैं इसको भी चला रही हूँ अच्छे से। और अभी इसको अच्छे से मैं मसाले मिला दूंगी मैगी में और अभी पानी इसका सोख लिए मैगी। तो इसको भी मैं 2 मिनट और रखूंगी गैस पे। गैस को मैंने स्लो रख दिया है, नहीं तो जलने लगेगी। और इसको भी चला रही हूँ जिससे नीचे लगे नहीं, क्योंकि कढ़ाई पतली है। और ये 10 मिनट में रेडी हो गई है मैगी। मैगी को बनाने में तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है। और मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूंगी। और मैं इसको भी थोड़ा सा और चला रही हूँ जिससे, और मैं भी इसको निकाल ले रही हूँ प्लेट में।